हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 7 to 12th मंथ के बच्चों के लिए फूड। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद से बादाम, मखाने, काजू और किशमिश लिया है। यहाँ पे पेंट खजूर है, चीनी है, घी है और यहाँ पे बॉईल किया हुआ दूध मैंने 1/2 लीटर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोहा को हम 5 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें डालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसे हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद इन सब चीज़ों को पाउडर बना लेंगे और किशमिश और पेंट खजूर को हम बारीक कट कर लेंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन करके हम पतीली रख दिए हैं और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। इसे बॉईल होने देंगे। तो पानी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो एक कटा हुआ पेंट खजूर इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद से बारीक कटा हुआ किशमिश इसमें ऐड कर दूंगी मैं और इसे अच्छा से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 चम्मच पानी और डाल के थोड़ा सा और सॉफ्ट करूँगी इसे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बॉईल किया हुआ दूध हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें बॉईल किया हुआ दूध ही ऐड करना है, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है खजूर के अंदर हम ऐसे ऐड करेंगे तो। तो आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ चुका है। अब यहाँ पे हम ये सूख किया हुआ पोहा डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। इसे वापस दूध में बॉईल आने तक हमें चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल आ चुका है और इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के अंतराल पे हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट इसे पकाने में लगेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हो चुका है, चलाते हुए हमने इसे पका लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चीनी। ये चीनी हमने 4 चम्मच लिया है। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं खीर तो आप यहाँ पर चीनी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक कूट लिया है और आप चाहे तो इसे पाउडर भी बना सकते हैं। यदि बड़ों के लिए बना रहे हैं पोहा खीर तो आप बिल्कुल कट करके डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन हम ये बेबी के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए जितना चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उनके सेहत के हिसाब से वो सब कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है और इसे हम चला लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट ये बच्चों के लिए है तो आप अवॉइड करें इलायची पाउडर को। बट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 इलायची पाउडर, इसमें 2 इलायची कूट के हम ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इलायची पाउडर हमने ऐड कर दिया है। अब गैस को ऑफ़ कर दिया है हमने। अब चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सेहतमंद है और बच्चे बहुत आसानी से इसे खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। और यदि आप बड़ों के लिए भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बड़ों को भी आप दे सकते हैं। कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि पोहा का खीर है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।